बसपा सरकार में हुए स्मारक घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई तेज, बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम से भी पूछताछ करेगी ईडी। यूपी में 1,000 रुपये से कम के जूते पर 12 से घटकर 5% होगा जीएसटी, जूता कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा का फंदे पर लटका मिला शव, मौत से पहले बनाया था वीडियो। यूपी में मिलावट खोरों पर कसेगा किसनजा, सीएम योगी ने कहा सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर होगी बड़ी सख्त कार्रवाई। यदि यूपी सरकार आदेश का उल्लंघन करने का जोखिम लेना चाहती है तो उनकी मर्जी, एससी पहुंचकर बहराइच में बुलडोजर का मामला। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, एफएसएल की टीम करेगी क्राइम सीन की जांच, यूपी में एनकाउंटर को लेकर नई गाइडलाइंस जारी। मॉडलिंग का शौक, सरकारी अफसर से लव मैरिज और फिर दर्दनाक हुआ अंशी की कहानी का अंत। बलिदानी दिवस पर खाकी हुई दागदार, मंडी शहर में नशे में धुत पुलिस इंस्पेक्टर ने मचाया हुड़दंग। सुखू कैबिनेट की बैठक आज, होम स्टे और वन मित्र भर्ती पर हो सकता है निर्णय। हिमाचल से बड़ी खबर, अब फ्री पानी की सुविधा बंद, अब हर महीने बिल भरने के लिए हो जाए तैयार। हिमाचल में नशे की लो जला रही मोमबत्ती, 7वीं बार हुई गिरफ्तार, पुलिस को आता देख कर छोड़ दिए कुत्ते। गुरुग्राम में साली से एफआईआर का जीजा ने किया विरोध, बुखलाए प्रेमी ने चलाई गोली, ड्राइवर के पैर में लगी। अगर मैं चाहूं तो नौकरियां खा जाऊं, अफसरों पर भड़के अनिल विज, कहा भ्रम फैलाया नायब सैनी, मुझे हराना चाहते हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां देने में बाधा पैदा कर रही, सीएम सैनी ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। नारनौल में एनएच के पुल पर लुटेरे ने गाड़ी और कैश लूटे, ड्राइवर को नीचे फेंका, मृत समझकर हुआ फरार। राजेश खुल्लर फिर बने सीएम, नायब सैनी के मुख प्रधान सचिव, 2 दिन में 3 बार बदला गया फैसला। हरियाणा में पराली जलने की घटनाओं पर कड़ा एक्शन, 24 अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड। लश्कर ये तैयबा बना रहा था नया आतंकी संगठन, जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया भंडाफोड़। गंदरबल आतंकी हमला, कश्मीरों को आसान दिखाने का षड्यंत्र, आतंकियों को पकड़ने के लिए चप्पा चप्पा खंगाल रहे जवान। दिवाली से पहले बोनस और डीए में वृद्धि के रूप में मिल सकती है राहत, सीएम धामी ने दिए निर्देश। छात्र संघ चुनाव को लेकर कुमाऊं विश्वविद्यालय में फिर हंगामा, कुल सचिव को कमरे में किया बंद, शुरू हुआ धरना प्रदर्शन। अवैध पार्किंग पर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई से खलबली, क्रेन लेकर पहुंची टीमें, उठा कर ले गई गाड़ियां। कुमाऊं के लिए दिवाली की सौगात है, लाल कुआं बरांदा सुपर फास्ट, लंबे समय से हो रही थी मांग। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम धामी ने किए कई बड़े ऐलान। इस अधिकारी ने 59 साल की उम्र में यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर पेश की मिसाल, व्यस्तता के बीच निकाला पढ़ाई का समय। बदमाशों की हैसियत बेभाव करने के लिए अनोखी पहल, 50 राउंड फायरिंग करने वालों पर 5 रुपये का इनाम। हेमंत सोरेन को हराने झारखंड में एक मंच पर आएंगे मोदी, नीतीश चिराग और सुदेश महतो भी करेंगे शक्ति प्रदर्शन। झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर, झामुमो में शामिल हुए लुइस मरांडी सहित आधा दर्जन बड़े नेता। कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान, यहां देखे कहां किसे चुनाव मैदान में उतारा। जेएमएम में शामिल होने के बाद लुइस मरांडी का आया रिएक्शन, बता दिया बीजेपी के अंदर की बात, सियासत तेज। टिकट वितरण के बाद बीजेपी में बड़ी अफरातफरी, स्थिति संभालने के लिए पार्टी ने इस नेता को भेजा झारखंड। चंपाई के क्षेत्र में बीजेपी की बढ़ी टेंशन, अपनों से मिला घात, जेएमएम अभी और दे सकता है झटका। 9 करोड़ की चल अचल संपत्ति, फिर भी मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पास नहीं है अपनी गाड़ी, यहां देखे पूरा बायोरा। कौन है झारखंड में बीजेपी को धोखा देने वाला 6 बड़े नेता, एक दे चुके चंपाई को बड़ी टक्कर। कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था विश्रामपुर, अब भाजपा के रामचंद्र देख रहे हैं 3री बार हैट्रिक का सपना। बिहार के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, 13 शहरों में गिरेगा तापमान, जाने मौसम का हाल। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारक घोषित, इन नेताओं को मिली जगह। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर नई जानकारी, निजी संस्थानों को मिली 1 साल की छुट्टी।
क्या तेजस्वी ने नया घोटाला किया, जेडीयू नेता के आरोप से सियासी भूचाल, आरजेडी की बढ़ी टेंशन। स्कूल में क्लास छोड़कर मोबाइल चला रहे थे कई टीचर, अचानक पहुंच गए पदाधिकारी, लिया बड़ा एक्शन। मुजफ्फरपुर में दरोगा समेत 33 पुलिस अधिकारियों का तबादला, एसपी के निर्देश पे हुआ बड़ा फेरबदल। अब बिहार के उत्पादों की विदेशों में होगी धमक, हो जाएंगे मालामाल, ड्राईपोर्ट कंटेनर डिपो से रूस भेजी गई पहली खेप। आईएएस संजीव हंस के एक और करीबी पर गाज, ईडी ने कारोबारी पुष्पराज किया गिरफ्तार। दरभंगा में कब चलेगी मेट्रो, कितना आगे बढ़ा प्लान, आ गया नया अपडेट। नीतीश कुमार ने बिहार उपचुनाव के लिए कमर कसी, चारों सीटों पर करेंगे चुनाव प्रचार। आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस में घर बैठे करें मोबाइल नंबर अपडेट, स्कैन करें क्यूआर कोड, 5 स्टेप करें फॉलो।